Hello everyone, once again welcome back to my channel. In today's video I will be talking about what are the career opportunities available after BCom. तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में या फिर बीबीए में, दैट मीन्स आप कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इसके बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एमबीए है, सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में आपने सुना शायद ही हो कभी, लेकिन आपको उनके बारे में डिटेल नहीं पता। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सब बच्चों के लिए जो अपने करियर को बहुत जल्दी सेट करना चाहते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत और भी नॉलेजेबल वीडियोस को बना पाऊँ। और थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड द सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और फाइनली मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इफ़ यू लुक एट द चार्ट, देर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर बी कॉम। द फर्स्ट ऑप्शन इज एम बी ए, सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन गो फॉर द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस सेक्टर, यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द बैंक्स। थर्ड ऑप्शन इज एल एल बी, लॉ का ऑप्शन है एल एल बी एंड एल एल एम। फोर्थ ऑप्शन इज सी ए, फिफ्थ ऑप्शन इज बी एड एम एड एंड टीचर। नेक्स्ट ऑप्शन इज आई सी डब्ल्यू ए, द नेक्स्ट वन इज बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज एंड यू कैन ऑप्ट फॉर लाइब्रेरियन। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी एस, देर आफ्टर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा एंड यू कैन वर्क फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हाउसेस। नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन ऑप्ट फॉर एम सी एम और एम सी ए और यू कैन गो फॉर अ सॉफ्टवेयर जॉब। नेक्स्ट वन इज द टेली एंड द नेक्स्ट वन इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे डिस्कशन होने वाले हैं जिन डिस्कशन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। द फर्स्ट ऑप्शन इज देर आर मेनी बैंकिंग कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के आप बहुत सारे बैंकिंग के कोर्सेज कर सकते हैं और एज अ करियर बैंकिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द बैंकिंग कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन। फर्स्ट वन इज द एम बी ए इन द बैंकिंग इन फाइनेंस। आप अगर एम बी ए करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन लेना है बैंकिंग इन फाइनेंस में। मास्टर डिग्री है ये 2 ईयर्स की। नेक्स्ट है एम कॉम इन बैंकिंग इन फाइनेंस। नेक्स्ट वन इज मास्टर्स इन बैंकिंग स्टॉक एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग मैनेजमेंट। दिस इज द डिप्लोमा कोर्स फॉर द 2 ईयर्स। नेक्स्ट इज पी जी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 ईयर्स का कोर्स है। शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिटेल बैंकिंग, ये पी जी डिप्लोमा कोर्स है हमारा। 3 मंथ्स क्लास वर्क है इसमें और 3 मंथ्स इंटर्नशिप है। देन शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग ऑपरेशंस, यहाँ पे भी हमारा 3 मंथ्स का क्लास वर्क रहता है, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है। देन शॉर्ट टर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, ये पी जी डिप्लोमा कोर्स है हमारा। 3 मंथ्स का क्लास वर्क है, यहाँ पे भी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है। नेक्स्ट इज़ द प्रोफेशनल प्रोग्राम इन द कमर्शियल बैंकिंग। अगर आप पी पी सी बी करते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सिर्फ आपका 2 मंथ्स का कोर्स है। नेक्स्ट है एडवांस सर्टिफिकेट इन बैंकिंग लॉज एंड द लोन मैनेजमेंट। अगेन दिस इज़ द कोर्स फॉर द एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स एंड स्पेशली फॉर बैंकिंग एरिया। दिस इज़ फॉर 3 मंथ्स। बैंकिंग में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए करने के बाद ही बैंकिंग सेक्टर में अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप बैंकिंग जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डिजिग्नेशन है बैंकिंग सेक्टर में जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है बैंकिंग सेक्टर में, हर एक बैंक का बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन में आपसे फर्स्ट डिवीजन मांगी गई है, प्लस योर एज शुड बी इन बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं बैंकिंग या फिनेंस में, या फिर आप कोई नेशनल
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन लेते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स करते हैं या फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं एमबीए में एज अ फाइनेंस, तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग सेक्टर में ओपन। आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, लोन ऑफिसर बन सकते हैं, बैंक टेलर बन सकते हैं, बिल एंड अकाउंट कलेक्टर बन सकते हैं, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग क्लर्क बन सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, रिलेशनशिप एसोसिएट्स बन सकते हैं, तो ये कैशियर बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में होती हैं। इसके अलावा आप कस्टमर सर्विस, फ्रंट डेस्क, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, बैंकिंग ऑफिसर, एसेसर, लोन मैनेजर, लोन डिपार्टमेंट, अंडरराइटर, अकाउंटेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिकवरी ऑफिसर, रिटेल एसेट मैनेजर, प्रॉपर्टी अप्रेजर, इन सब चीज़ों में भी बहुत सारी जॉब्स हैं इन सब एरियाज़ में भी जो बैंकिंग सेक्टर में होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अपकमिंग जितने बैंक एग्जाम्स हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है IBPS, तो IBPS है क्या पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो रिक्रूट करती है और प्लेसमेंट करती है यंग ग्रेजुएट्स का इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो यहाँ पे इसी बॉडी के थ्रू जो है सिलेक्शन होता है जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फॉर्म्स निकलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें RRB क्लर्क का जो है फॉर्म आउट, RRB means रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है IBPS PO, तो IBPS PO means the प्रोबेशनरी ऑफिसर का ये एग्ज़ाम है, प्रीलिम है 3rd, 10th और 11th अक्टूबर को और मेन एग्ज़ाम है 28 नवंबर को। देर आर होते रहते हैं इस फील्ड में बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखिए SBI बैंक की ओर से SBI PO है, SBI क्लर्क है, SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, IBPS RRB ऑफिसर है, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। नेक्स्ट है IBPS PO 2020, IBPS क्लर्क 2020, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, RBI असिस्टेंट 2020, RBI ग्रेड B 2020। तो ये लेटेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बैंकिंग सेक्टर में हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर BCOM तो बहुत अच्छा एरिया है, रिप्यूटेड एरिया है, आप बैंकिंग में बहुत ईजीली जा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स जो है ऑप्ट करते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं बहुत जल्दी सेटल होने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट है अगर आप बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में, अब हम इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा होता है स्पेसिफिकली फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे एक इंश्योरेंस सेक्टर का एरिया का डिप्लोमा का नाम मैंने मेंशन किया है, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ इसके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन की। नेक्स्ट है मास्टर्स प्रोग्राम इन इंश्योरेंस बिजनेस, अगेन एलिजिबिलिटी इज़ ग्रेजुएशन, फाउंडेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग, अगेन एलिजिबिलिटी इज़ ग्रेजुएशन। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स में ऑप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ईजिली जा सकते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। और ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए कोर्सेज हैं ये, 3 months to 1 year till 2 year तक। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो कितने टाइप के इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज देयर, हेल्थ केयर इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोफाइल, होम इंश्योरेंस हैं, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस इज देयर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज देयर, फायर इंश्योरेंस इज देयर। बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर्स में। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को 2 parts में बांटा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में ये टॉप मोस्ट रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अलायंस बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में
9 companies are there: National Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, Reliance General Insurance Company Limited. अगर आप चाहें तो आप Google पे जाके सर्च कर सकते हैं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो. नेक्स्ट हम बात करेंगे LLB एंड LLM के बारे में. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास LLB का. अगर आप LLB करना चाहते हैं तो LLB का ड्यूरेशन जो है 3 years का है, और अगर आप आफ्टर 12th करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट अवे एक इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री है आप वो कर सकते हैं. अगर आप BA LLB करते हैं तो इट्स फॉर 5 years, BSc LLB करते हैं देन इट्स फॉर 5 years, BB LLB करते हैं देन इट्स फॉर 5 years, देन BCom LLB करते हैं देन इट्स फॉर 5 years. तो आप BCom के बाद भी LLB ऑप्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड BCom LLB भी कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर 5 years. LLB करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, लीगल एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो LLM हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, मास्टर ऑफ लॉ. LLM की ड्यूरेशन जो है 1 year और 2 year है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज़ द मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ. अगर आप मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, अगेन इट्स अ ड्यूरेशन फॉर 1 year और 2 year. देयर आफ्टर आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं लीगल एजुकेशन में, और इंटीग्रेटेड MBL यानी मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ और MBA विद LLM कर सकते हैं. इट्स अ 3 year डिग्री प्रोग्राम कोर्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द LLB. दिस इज़ अ इंटीग्रेटेड कोर्स. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है BEd एंड MEd के बारे में. नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं देन यू शुड डू BEd और MEd और DEd. तो ये है क्या डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये ऑलरेडी मैंने बताया है आफ्टर 12th करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th में, वहाँ पे जाके आप इसको डिटेल में सुन सकते हैं. सो डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है फॉर 12th के बाद हो सकता है. यहाँ पे अगर आप DEd कर लेते हैं तो आप अप टू 5th तक एज अ प्राइमरी टीचर एलिजिबल हो जाते हैं. नाउ BEd समझना बहुत ज़रूरी है कि आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे 2 factor हैं. नंबर 1, अगर आप BEd करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद BEd करते हैं, दैट मीन्स आप BCom के बाद अगर BEd करते हैं, या फिर आप BSc के बाद BEd करते हैं, या फिर आप BA के बाद BEd करते हैं, यानी आप बैचलर्स डिग्री के बाद अगर आप BEd करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप टू 10th तक की टीचिंग के लिए. तो आप एज अ TGT टीचर अपॉइंट होते हैं, 6 to 10th तक आप पढ़ा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ PGT. PGT है क्या? PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं. ये स्टैंडर्ड है 11th 12th को. जो टीचर्स 11th 12th को पढ़ाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पहले आप BCom करने के बाद MCom करेंगे, दैट मीन्स आपका मास्टर्स लेवल कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप एक स्पेशलाइज कोर्स में पढ़ाने जा रहे हैं, कॉमर्स में या साइंस में या फिर आर्ट्स में. तो अगर आप 11th 12th को पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको BCom के बाद MCom करनी होगी, देन फिर आप उसके बाद जब BEd करते हैं तो आप एज अ PGT टीचर अपॉइंट होते हैं फॉर 11th 12th. थर्ड पॉइंट है मास्टर्स इन एजुकेशन. BEd करने के बाद ही आप मास्टर्स इन एजुकेशन कर सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स इन एजुकेशन कर लेते हैं तो आप BEd स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं. हाँ, BEd इंस्टीट्यूट्स में एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस साथ में आप कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके पास MEd है तो आप एज अ प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि BCom करने के बाद आप MCM कर सकते हैं. अब MCM क्या है? MCM इज़ द मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट. यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 years का है, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बैचलर्स डिग्री में आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 45% to 60% होना चाहिए. यहाँ पे जो एवरेज फीस है वो नॉर्मली 4500 to 20,000 पर एनम तक है. अब इसी के सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर कमर्शियल एप्लीकेशन.
अगर आप MCM करते हैं तो आपको ये सब एम्प्लॉयमेंट रोल्स मिल सकते हैं, दैट मीन्स ये सब प्रोफाइल्स हैं: इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, जूनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर पब्लिशर, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो इसमें HCL टेक्नोलॉजीज़ है, एक्सेंचर है, देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, देन एक्सेंचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कैप जेमिनी आर द टॉप रिक्रूटर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड के बारे में, तो नेक्स्ट कोर्स है हमारा MCA, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पर चाहिए BCom के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं यहाँ पे मेंशन है, CMAT है, TANSET है, IPU CET है, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है, प्लस मेरिट बेस्ड पे भी होता है। कोर्स की फ़ी नॉर्मली रहती है 30,000 to 50,000 में। स्कॉलरशिप नॉर्मली जो है बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, अवेलेबल है। इंटर्नशिप जो है आपको करनी पड़ती है MCA में, और एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो है 3 lakh to 5 lakh ईजिली मिल जाती है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा टेली का। नेक्स्ट हमारे पास जो BCom के बाद ऑप्शन है वो टेली कोर्स का है। सबसे पहले टेली के फुल फॉर्म जानते हैं, जो नॉर्मली 90% बच्चों को नहीं पता है। टेली का मतलब है ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 भी, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 3 मंथ्स है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो टेली की फील्ड में अवेलेबल रहती हैं। ड्यूरेशन इज़ फॉर 3 मंथ्स ओनली। फीस इज़ वेरी रीजनेबल, 3,000 to 6,000 में ये डिप्लोमा कोर्स हो जाता है, और रेगुलर मोड में होता है, दैट मीन्स आपको रेगुलर मोड में ही करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस ये अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी है 12,000 to 15,000 per month, और सैलरी बहुत अच्छी इसमें इंक्रीज। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है बैंकिंग सेक्टर में, MNC कंपनीज़ में, एज एन अकाउंटेंट और एज अ टेलर जो है आपको मिल सकती है, अगर आप टेली का कोर्स जो है कर लेते हैं तो। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यू कैन ऑप्ट फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अगर आप IMA में जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप BCom के बाद IMA में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से कोर्सेज हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर हैं IMA पे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पे। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CDS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। CDS का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर बाय द UPSC फॉर द रिक्रूटमेंट इनटू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो आपको CDS एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, साल में 2 बार होता है, UPSC रिक्रूट करती है, और फाइनली जो है जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपना इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू क्लियर करना होता है SSB में, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स में। CDS एग्ज़ाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी है हमारी, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपके पास अनमैरिड जो है मेल कैंडिडेट होना चाहिए मैरिटल स्टेटस में, एज लिमिट जो है आपकी 19 to 24 होनी चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी होनी चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको एक फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पड़ता है टू एंटर इनटू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है क्योंकि ये बैचलर है, यहाँ पे ड्यूरेशन होती है 1 ईयर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी आप आफ्टर BCom कर सकते हैं, बट आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए मिनिमम। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता है। देर आर मैनी टॉप इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी कोर्स यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन। LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल, गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मंदसौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, IAS यूनिवर्सिटी भोपाल। और कोर्स फीस जो है इस कोर्स की बहुत नॉमिनल है, 10,000 to 40,000।
नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरी का ये कोर्स करने के बाद आप कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यू कैन गो फॉर अ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर लाइब्रेरी ऑफिसर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैटलॉगर डिप्टी लाइब्रेरियन सीनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं और ईजिली लाइब्रेरी की जॉब में मिनिमम 2.5 लाख से लेके 8 लाख पर एनम तक सैलरी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं जो आप बीकॉम के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट। ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स होता है, ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है 10+2 और आफ्टर बीकॉम आ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेसिस पे होता है। यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज काउंट होती है। फीस यहाँ पे 5,000 to 30,000 rupees है कोर्स की फीस। बात करते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट तो आपके जॉब प्रोफाइल्स क्या रहते हैं। जॉब प्रोफाइल्स में एक्सपोर्ट मैनेजर जिसमें नॉर्मली सैलरी ₹6 लाख एंड अबव है, इम्पोर्ट मैनेजर ₹4 लाख एंड अबव, इंटरनेशनल सप्लाईज लॉजिस्टिक मैनेजर ₹5 लाख एंड अबव, एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर ₹6 लाख एंड अबव। अब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड नेचुरल गैस, देन इंडियन ऑयल है, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, हिंडालको, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा। स्टिल अभी भी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस कवर नहीं किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन MBA का है। MBA पे मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, टॉप 50 MBA इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी। आप चाहें तो जाके वहाँ पे डिटेल में MBA के बारे में देख सकते हैं। देन CA पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th नाम का एक वीडियो है, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मेंशन करूँगी। अगेन ICW एंड CA पे भी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ आफ्टर 12th वीडियो में, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियोज़ के लिंक मेंशन करूँगी, अगर आप चाहें तो आप डिटेल में जाके वहाँ से नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं, इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। इन टॉपिक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से डिटेल स्टडी कर सकते हैं इन केस अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा जितने कोर्सेज के बारे में आज मैंने डिस्कशन किया है, अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और भी डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यानी कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, या फिर फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वट एवर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग हो, आप प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूंगी मैं आपके आंसर्स जो है बेस्ट पॉसिबल और एज सून एज पॉसिबल जो है दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टूडे। थैंक यू।